आपके पास Realme P2 Pro सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप ऐप हाइड कैसे कर सकते हैं, शो कैसे कर सकते हैं। ऐप हाइड एंड हाइड की सेटिंग के लिए आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग पे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाना है आपको, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लेंगे। जो भी आपके फ़ोन का लॉक है एंटर कर लेंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर ना जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है उसे आप इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के साथ ही सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक एक्सेस कोड सेट करना है जो कि हाइड ऐप को देखने के लिए आपको काम आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दूँगी, सबसे पहले हैश लगाना है और एंड में भी हैश लगाना है। आप चाहो तो 0 हैश कर लो या फिर अपने मर्जी का पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दो, जो भी आपको सेट करना है। जैसे मैं रख देती हूँ 1 2 3 4 और एंड में भी आपको हैश लगाना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे, डन। तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएंगी एप्लीकेशंस, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे करके हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद हिडन्स वाले यहाँ दिख जाएंगे टोटल, और सेटिंग पे जाएंगे तो कुछ एडिशनल सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ से प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेस कोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन को हाइड रख सकते हैं। बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे डायलर पे जाएंगे, जो हमने सेट किया था एक्सेस कोड हैश 1 2 3 4 हैश, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रहे आपके हिडन एप्लीकेशन जिसको आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप हाइड एंड हाइड कर लेंगे एप्लीकेशंस को, और अनहाइड करने हैं वापस स्क्रीन पे लाने हैं तो आप इस सेटिंग पे वापस से जाएंगे, आपके फ़ोन में ऐप लॉक लगा हुआ है ऐप लॉक एंटर करेंगे और हिडन पे जाके ये एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अब हाइड नहीं है, ठीक है। तो अब वही चीज़ हम दोबारा से करेंगे तो देख सकते हैं इस टाइप से आ रहे हैं। अब ये प्राइवेट सेफ का कुछ अपना चीज़ है जिसमें फ़ोटो वीडियोज़ हाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आप यहाँ पर ऐप लॉक का यूज़ कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, तो सारी एप्लीकेशन आपकी बाहर आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।